सर भाई को रोक लिया था यहाँ पे पुलिस वालों ने। अभी सूरज मियाँ हमारे बिल्कुल सामने है, सुर्खी फुल बनी हुई है उसकी। यहाँ से मुड़ना था आगे, ये था होपफुली कि जो ऑफ रोड सेक्शन है यहाँ पे अभी गारा मिट्टी नहीं होगा। नहीं, बचत होगी है। आगे भी जाके देखते हैं आगे कैसा। नरम है लेकिन सॉइल ना काफ़ी। हाँ बिल्कुल, कल मैं अगर आता तो कल फंस जाना था। मुझे लगता है कि कोई वहाँ पे है, फ्रेश फ्रेश से गाड़ियों के टायर लगे हुए हैं ज़मीन पे, कोई गाड़ी वाला है वहाँ पे। सनराइज देखने के लिए आए, वो अभी अभी आई थिंक आए हैं। शाबाश, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई सुबह सुबह आके कोई और भी आएगा, वो हमारी तरफ इधर ही मुंह करके छिया भी कर रहा है। तो पहुंच गए हम लोग सनराइज के टाइम यहाँ पे। फाइनली ये ड्रंक लोग यहाँ से गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा सुबह सुबह यहाँ आने का एक्सपीरियंस सारा इन्होंने ख़राब कर दिया। काफ़ी बियर शेयर चल रही थी, लाउड म्यूज़िक, और जब भी मैं तस्वीरें या पिक्चर्स वगैरह वीडियो बनाना शुरू करता था तो आ जाते थे पास, छेड़ाछाड़ी करते थे कैमरे को। लेकिन ये था कि इनका फ्रेंडली वे था, कोई इस तरह का मसला नहीं था। मैं कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहा था इनके सामने तस्वीरें वगैरह लेना, क्योंकि एक तो होता है कि कैमरा छोड़ के दूसरी जगह जाना, मुझे डर था कि यार कैमरे को हाथों तो मार के कहीं गिरा ही ना दे। तो खुद बड़ी मुश्किल से खड़े हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कप्पादोकिया तुर्की। आज मैं फाइनली कप्पादोकिया से निकल रहा हूँ और मैंने अपने ट्रैवल प्लान्स जो वो थोड़े से चेंज किए हैं। पहले मेरा प्लान था कि मैं इराक के बॉर्डर की तरफ राइड करके जाऊँगा, जो वहाँ पे सिटीज़ हैं गाजियानटेप, मारदीन और उर्फा, उनको एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ पर ज़्यादातर कुर्द्स एरियाज़ हैं, लेकिन जो लैंडस्केप है वो बहुत सिमिलर सी है और यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैंने सोचा ये कि बजाय मैं उस साइड पे जाने के, मैं वापस जा रहा हूँ दूसरी तरफ, त्रापसन की तरफ, इर्सरूम जो कि ब्लैक सी वाली तरफ आता है। ये जिस रीजन में ऐसे कहते हैं सेंट्रल अनाटोलिया, और अभी मैं ब्लैक सी की तरफ राइड करके जाऊँगा। तो आज का दिन जो होगा वो थोड़ा मेरा लंबा होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितने किलोमीटर आज ट्रैवल कर सकता हूँ करूँ, और इर्सरूम के करीब आस पास के एरियाज जो है ना वहाँ पर जाऊँ। तो मेरे ख्याल में आज मेरी इनिशियल कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 500 से 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनता है। आई एम नॉट श्योर कि मैं वो सारा कवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जितना भी लेकिन कवर हुआ मैं उतना आज कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं स्टॉप्स रस्ते में ना लूँ। ऑफकोर्स अगर कोई अच्छी सीनरी आती है तो मैं उसके लिए स्टॉप लूँगा, लेकिन लंबी ब्रेक्स वगैरह नहीं लूँगा। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और सामान मेरा ऑलमोस्ट पैक है, थोड़ा सा रहता है उसको, जो मैंने कैमरा गियर्स और इस तरह की चीज़ें वो पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो निकलने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने रूम का पे करना था। आई हैव टू पे फॉर द रूम।
So, ये है जी अपना होटल, ये था अपना होटल पिछले 3 दिनों से। थैंक यू सो मच। द की इज इन द रूम ऑन द टेबल। थैंक यू वेरी मच। सब बाइक हमारी रेडी है और अभी हम निकलते हैं चलो यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह। या अल्लाह, खैर खैरियत से आज का दिन गुजार रहे हैं। आज तो हाथ की कंडीशन भी काफ़ी नाजुक है और ये शीशा ठीक नहीं है, इसको लगता है कि खड़ा होकर मैं कर लूँ, जाते हुए देखे नहीं है। नीचे चल के देखते हैं इसको, अभी यहाँ से तो निकलें। डर गया था, एक हाथ में मोबाइल था आई थिंक, उसके परेशान हो गया आगे से देख के। तो ये है जी छोटा सा ग्रोम का विलेज, बहुत ही खूबसूरत विलेज है, यूनेस्को की प्रोटेक्टेड साइट्स में से एक ही है। सो जो मैंने नेविगेशन में इनिशियल पॉइंट डाला है वो है 400 किलोमीटर यहाँ से दूर। तो लेट्स सी कि अगर वो पूरा 400 किलोमीटर होता है, अगर हम 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच के, 3 बजे तक तो मुश्किल है, आई थिंक 4 बजे तक पहुँचेंगे, तो मे बी उसके बाद हम कोई 100 किलोमीटर और कर लेंगे अगर हिम्मत हुई और कंडीशन अच्छी हुई तो। बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे, कल से फिर सीनिक, ज़्यादा सीनिक स्टार्ट हो जाएगा और हम स्लो स्लो ट्रैवल करेंगे आगे। ये एक पैच है जिसमें कोई मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सीनिक हिसाब किताब कम है, तो बस इसको जो है ना छिक के कवर करते हैं, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस रीजन में। कल की बारिश के बाद आज मौसम काफ़ी बेहतर है, ठंडी हवा है और गर्मी नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी हुई है कि बारिश की वजह से एटलीस्ट आज के तो 2-3 घंटे 4 घंटे पहले होंगे ना जो अभी राइड किए हैं, वो तो बंदा बड़े आराम से कर सकता है। और उसके बाद हो सकता है दिन जैसे जैसे ऊपर सूरज आता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी, लेकिन आज की प्रेडिक्शन है कि 30 के करीब रहेगा। पिछले 2 दिन तो 40 क्रॉस कर गया था यार, और फिर हवा बहुत ज़्यादा थी। अभी हम लोग ग्रोम से बाहर आ गए हैं, तो बस आगे हमारा सफ़र जो है अब कंटिन्यू होगा। पेट्रोल भी चेक कर लें, अभी 1, 2, 3 बार्स हैं, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट हम लोग 80 किलोमीटर के करीब कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ 40-50 किलोमीटर के बाद जो इसको फुल कराते हैं, अभी फुल कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की रोड्स बड़ी अच्छी है यार, लिटरली बहुत साफ सुथरा, आपको कोई इधर उधर कागज़ भी नहीं नज़र आ रहा। तो अब हमने आई थिंक केसरी की तरफ जा रहे हैं, केसरी अनकरा की तरफ, और आगे से हम लोग डिफरेंट रोड ले लेंगे। ये एक जंक्शन टाइप मेरे ख्याल में आ रहा है, और उसके बाद हम क्योंकि केसरी की तरफ डायरेक्ट तो हम नहीं जा रहे, ये शायद उसके पास से ही गुजरेंगे। बिल्कुल केसरी अनकरा की रोड पे अभी हम लग जाएंगे और फिर आगे इसे चेंज करेंगे। मैंने पीछे कर दिया गलती, एक पेट्रोल स्टेशन आया था, मैंने कहा कि यार अभी मेरे पास पेट्रोल काफ़ी है तो वहाँ से जाके डलवा लूँगा, लेकिन अभी सिर्फ मेरे पास 8 किलोमीटर का और पेट्रोल है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हाईवे से उतरता हूँ और इधर ये जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और मुझे देखना ये कि यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन किधर है। 8 वो शेल का आ गया, शुक्र है यार, मेरे ख्याल में इधर से ही होना है। हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है, और अब रहता है 300 कुछ, फिर देखेंगे कि कितना हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं गुजर रहा था अभी, पेट्रोल डलवाया और पैसे देने के लिए गया था, तो यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बाइक बहुत अच्छी है, और मुझे उन्होंने चाय ऑर्डर कर दी, तभी हम यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। वो तो चले गए क्योंकि मैं अंदर बिल देने गया था, और वो जब मैं बाहर आया तो वो लोग निकल गए थे,
अभी बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा अपना जो है ना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सामने बड़ी खूबसूरत वैली आ रही है, ये सामने इधर एक विलेज है, यहाँ की छोटी छोटी जो रोलिंग हिल्स है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है, कहीं पे रुकते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में इस सिटी को कहते हैं गेमेरिक। अब हम सिटी लग रही है, छोटा गांव तो नहीं लग रहा, वो सामने जो मेन पार्ट है इसका। इस रेस्टोरेंट का तो ऐसा मॉल है जैसे हमारे गांव वगैरह में ना होता है। ये एक अम्मा जी बना रही थी खाने के लिए, अब मुझे नहीं पता कि उसने क्या बनाया क्या नहीं, वो रोटी की तरह था, अब उसके अंदर या तो आलू थे या चीज़ थी। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो मीठे वाला बना के दे, क्योंकि उसके पास नूटेला वगैरह भी आई थिंक उस तरह की चीज़ पड़ी हुई थी। अब इसको खा के ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी क्या चीज़ है क्या। नूटेला तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आलू टाइप लग रहा है कुछ, इसके अंदर उसने मिक्स कर दिया चीज़ और आलू, तो नूटेला वाला मेरी किस्मत में नहीं था, चीज़ और आलू हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसे काम चलता है भाई, देख लिया आपने, हाथों से, इशारों से और आंखों से। सर भाई को रोक लिया था यहाँ पे पुलिस वालों ने, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं तुर्किश नहीं बोलता, कहता जाओ। दूर से इशारा किया कि आ जाओ लाइन में आ जाओ, मेरा कैमरा जो था बंद था, मैं इधर पहुँचा हुआ तो आगे पूछता है, बस इतना सा मैंने जवाब दिया कि आई डोंट स्पीक तुर्किश, जाओ। मुझे लगा कि मैं शायद ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ओवर स्पीडिंग नहीं थी, 90 की स्पीड से ही जा रहा था और यहाँ पे 110 आई थिंक अलाउ है 110। 90 के तो साइन मैंने बहुत जगहों पे देखे हैं, लेकिन 110 है इस हाईवे पे। I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Set adrift with fairway light bulbs. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in. यहाँ पे कोई बैठने की जगह तो नहीं आ रही है, अगर कोई आ रही है तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं। पिछले तकरीबन 150 किलोमीटर से हमने कोई स्टॉप नहीं लिया। ये जो रोड के किनारे दुकान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने मुझे ये एक स्पेशल सी यहाँ के इस एरिया की चीज़ है, ये शहद से बनी हुई है, तो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। और साथ में ये कि मैंने यहाँ से चाय वगैरह ली है, उस जो बार बार मुझे कह रहे थे हमारी वीडियो बना, तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी वीडियो भी बनाई। फिर से रोक लिया इन्होंने, देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। यस वेयर आर यू गोइंग टुनाइट? मे बी इन देवीर देवरी, या ट्रैवलिंग टुवर्ड्स किमालिया, देन एर्ज़ुरुम एंड त्रबज़ोन। ओके, गुड लक, थैंक यू वेरी मच सर। Dreaming of the love I love. I fell asleep with
पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ से चाचे से फिल करा लूँ जो 2 लीटर का मेरे पास एक्स्ट्रा कैन है, लेकिन भाई इसके फ्यूल की मुझे क्वालिटी का नहीं पता। मुझे चाहिए था यहाँ से वैसे थोड़ा सा ही डलवाता, लेकिन फिर भी मैंने 8-10 लीटर तो 8 को लीटर इसमें डलवा ही लिया। अब आगे से जाके फिल कराएंगे जहाँ से किसी अच्छे पेट्रोल पंप से, वहाँ से फिर मैं अपना कनस्तर जो है ना उसको भी फिल कर लूँगा, क्योंकि एमरजेंसी के यहाँ पे कोई पता नहीं चलता। क्योंकि जैसे जैसे मैं अब रिमोट एरिया की तरफ जा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे बाद में पेट्रोल का मसला हो, ऐसे ही बंदे को याद ही नहीं रहता और अचानक से ख़त्म हो गया हो। अभी मैंने यहाँ पे बाइक रोकी थी और साथ में चेक किया था कि अगर मुझे होटल मिल जाए इधर दिब्रिगी आई थिंक इसे कहते हैं, तो मुझे कोई होटल नज़र नहीं आया और ना ही एयरबीएनबी। तो देखते हैं कि अगर जाके नीचे मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि आज मेरा कैंपिंग का कोई प्लान नहीं है, लेकिन चल के नीचे देखते हैं मे भी कोई होम स्टे मिल जाए या कुछ इस तरह की चीज़। लोकल से पूछते हैं तो पता चल जाएगा उधर। Hummingbirds to fly by, sitting peacefully. हम लोग पहुंच गए जिस सिटी में, मुझे 2-4 होटलों के नाम तो नज़र आए हैं। अभी जाके देखते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो। मैं भी सारे फुल हूँ इस वजह से booking.com नहीं दिखा रहा था, या ये उस पर लिस्टेड ही ना हो, पॉसिबल है। लेफ्ट पे होटल तो नहीं, ये तो हॉस्पिटल है भाई। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ किसी जगह किसी से पूछ लें कि होटल शॉटल किधर हैं। वैसे ये मेन रोड है, थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ अभी तो सेंटर में नहीं आया, सेंटर में ढूंढते हैं ताकि अगर डिनर करने भी बाहर जाना हो तो हमें साथ ही मिल जाए। When I'm around her, I feel safe. There's a magic river flowing in the gates. मेरे ख्याल में ये गांव का सेंटर आ गया और उस कॉर्नर पे जाके किसी से पूछ लेते हैं कि भाई कोई होटल है इधर। ये सामने आ गया एक तो दिब्रिगी होटल, अब वो पता नहीं किधर है। सिर्फ सोच रहा हूँ यहाँ पे उनका नंबर लिखा, उनको कॉल करके पूछ लेते हैं। चलो जी, थैंक यू। रास्ते का तो मुझे सही समझ नहीं लगी जो उसने बताया, लेकिन ना ही गूगल पे मिल रहा है। अभी एक बंदे से इससे पूछा था, वो कहता है कि आउट ऑफ द टाउन 4 किलोमीटर राइट पे नज़र आएगा। तो अभी चलते हैं आउट ऑफ द टाउन, देखते हैं कि सामने ऊपर कोई कैसल टाइप है। Follow the music. Forget about those people. अच्छा जी, ये आ गया जी दिब्रिगी होटल का साइन, तो आगे से हमने राइट हो जाना है। जी आ गया जी दिब्रिगी। Yes. She's waiting for the hummingbirds to fly by. रूम में मैं पहुंच गया हूं, छोटा सा कमरा है लेकिन साफ सुथरा अच्छा रूम है, साथ में अटैच वॉशरूम है और यहां से सिटी का व्यू जो है नीचे गांव का व्यू वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने सिर्फ 75 लीरा इसके दिए, जो कि मेरे ख्याल में 10 यूरो भी नहीं बनते, और इतने में आपको साथ में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो और क्या चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे 10 यूरो में मैनेज करते हैं होटल और उसके अखराजात, या शायद आजकल कोरोना वायरस की वजह से मुझे एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ एक मसला है, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है आसपास में, तो मुझे खाना खाने के लिए गांव जाना पड़ेगा जहाँ से मैं पहले आया हूँ। 4 किलोमीटर है, तो मैं सोच रहा था अभी थोड़ी देर आराम से रेस्ट करूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे खाना खाने के लिए।
waiting for the hummingbirds to fly by. रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था और मुझे तुर्किश पिज़्ज़ा जो है जो मैंने स्पेशली लास्ट 2-3 वीक में ट्राई किया मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और सबसे अच्छी बात जो तुर्की में मुझे लगती है, यहाँ पे आप जब भी जाओ तो सैलेड जो आपको मिलता है वो बहुत फ्रेश मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। अभी मुझे आई है काफ़ी नींद, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। और जैसे जैसे मैं सेंट्रल एनाटोलिया से बाहर निकलता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ ब्लैक सी की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है, लैंडस्केप जो है, वो चेंज होती जा रही है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अगले 2-3 दिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा लैंडस्केप और बेहतर होता जाएगा। आज मैंने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर कवर किया। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मैंने शायद जिस दिन मैंने क्रॉस किया था नॉर्थ मैसिडोनिया का वो कवर किया था, और उसके बाद आज वाला दिन किया था। सो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Waiting for the hummingbirds to fly by.